हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर। जो हमारा जो मटेरियल होता है ये तीन टाइप का होता है, यानी एक तो होता है कंडक्टर मटेरियल, यानी कंडक्टर कौन से होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होगा वो बहुत इजीली हो पाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं या कॉपर वायर्स होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है, इसीलिए उसको कंडक्टर बोलते हैं। फिर आते हैं सेमी कंडक्टर, जिसके बारे में हम आज ये पूरी वीडियो करेंगे। और फिर आते हैं एक और टाइप के होते हैं जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर के अंदर क्या चीज होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कभी होता ही नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही नहीं पाता, जैसे वुड होता है, प्लास्टिक होता है, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्लो नहीं कर पाते, इसीलिए इनको इंसुलेटर बोलते हैं। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, या फिर हम इसको प्योर टेट्रावेलेंट एटम भी बोल सकते हैं। यानी टेट्रावेलेंट किसे बोलते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर चार इलेक्ट्रॉन अगर बाहर प्रेजेंट है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर, चार हैं, तो उसको हम टेट्रावेलेंट एटम बोलते हैं। तो ऐसे जो भी होते हैं, यानी ये प्योरली टेट्रावेलेंट होते हैं, इनके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जो इंट्रेंसिक होते हैं इनके अंदर इम्प्योरिटी अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एक्सट्रेंसिक बन जाते हैं। और एक्सट्रेंसिक फर्दर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप का होता है और एन टाइप का होता है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इंट्रेंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे ये फंक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की, ये क्या होते हैं। ये हमें ये चीज तो क्लियर हो गई है कि जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये प्योरली टेट्रावेलेंट होते हैं, यानी इनके अंदर चार इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं। तो हमारे पास सिलिकॉन है, जो ये ब्लैक कलर का सिलिकॉन दिख रहा है आपको, उसके हमने एटम कौन से है, एक तो ये वाला एटम इसका है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला, यानी ये चार एटम इस सिलिकॉन के हैं। जो रेड कलर का दिख रहा है तो उसके रेड एटम आपको दिख रहे होंगे। अब हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर एट इलेक्ट्रॉन होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एट इलेक्ट्रॉन है तभी जो मटेरियल होगा, जो एटम होगा वो स्टेबल हो पाता है। तो इसको स्टेबल होने के लिए इसने क्या किया, जो साइड वाले जो सिलिकॉन होंगे, साइड वाले जो एटम होंगे उनसे कोवेलेंट बना देता है उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ये वाला क्या है, जो रेड वाला है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, उस इधर वाले जो रेड वाला सिलिकॉन था उसका इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर से इसका आ गया, इधर से इसका आ गया। तो टोटल अब हमारे पास जो ब्लैक वाला जो सिलिकॉन था उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, एट इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और ये हो गया स्टेबल। तो ये ऐसे नॉर्मली हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है वो बना हुआ होता है, जिसको हम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें टेट्रावेलेंट इलेक्ट्रॉन्स ही हमने यूज किए हैं। फिर आता है अगर हम इसको हीट कर देते हैं, यानी अगर हमने इसको हीट किया थोड़ा बहुत भी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, लूज हो जाएंगे, वहां से लूज होके वो क्या निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के क्या बना देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका काम क्या होता है, यानी करंट का फ्लो जो होगा वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। जो करंट होता है वो फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही होता है, तो वो उसमें हेल्प करते हैं। साथ में हमारे पास अब क्या हुआ, यहाँ से तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये वाली जो स्पेस होगी ये खाली हो जाएगी, यानी वो हमारे पास जो एटम बनेगा वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ब्लैक कलर का सिलिकॉन है, बाकी सारी चीजें सब सेम है, लेकिन एक जगह पे कहीं पे एम्प्टी स्पेस बन जाएगी, जहां से हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हुआ है वहां पे एम्प्टी स्पेस हो गई। तो वो एम्प्टी स्पेस को क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है। और ये होल क्या करता है, ये एक स्पेस ऐसा होता है जहां पे ये नया इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ले सकता है, यानी ये एक ऐसी प्लेस है जहां से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये यहाँ आ जाएगा, ये जो सिलिकॉन होगा इसका यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, और दूसरी मतलब फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ पे जो होगा वो होल बन जाएगा। अब ये होल है तो ये कहाँ से ले सकता है, यहाँ से ले सकता है। तो ऐसे ही हमारे पूरा जो एटम होगा उसके अंदर जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का ये चलता रहता है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, जो होल होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, यानी इसी के द्वारा जो चार्ज होता है वो कैरी किया जाता है। ये तो प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिससे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आ पाता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चार्ज को मूव करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो चार्ज होता है वो फ्लो कर पाता है सेमीकंडक्टर के अंदर। जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो कैसे बनता है, जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। यानी इंट्रेंसिक कौन सा है, हमारे पास टेट्रावेलेंट, यानी उसके अंदर फोर इलेक्ट्रॉन होंगे।
इम्प्योरिटी हम कोई और ऐसा एटम डाल देंगे उसके अंदर जिसके टेट्रावेलेंट की बजाय या तो पेंटावेलेंट होगा या फिर ट्राइवेलेंट होगा, यानी तीन उसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर पांच इलेक्ट्रॉन होंगे आउट ऑफ मोस्ट शेल के अंदर। तो सिर्फ दो टाइप की ही इम्प्योरिटी हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो जो प्रोसेस होता है जिसमें हम प्योर टेट्रावेलेंट जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग बोला जाता है। इस प्रोसेस का नाम होता है डोपिंग। फिर आता है, ये दो टाइप के होते हैं, यानी एक तो होता है पी टाइप का और एक होता है एन टाइप का। जो पी टाइप होता है इसके अंदर इम्प्योरिटी कैसी ऐड की जाती है, जो कि ट्राइवेलेंट होती है, यानी उनके जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन होते हैं। एन टाइप कौन से होते हैं, जिनके अंदर पेंटावेलेंट हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी ऐसा एटम यूज करते हैं जिसके अंदर पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। जो पी टाइप होते हैं उनको पॉजिटिव बोला जाता है और एन टाइप होते हैं उनको नेगेटिव बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ये आप एक शीट देख सकते हैं, यानी ये आप ऐसा मान लीजिए ये एक मटेरियल है जो कि पूरा फैला हुआ है, आप पूरा बड़ा इसको मान सकते हैं, यानी सिर्फ यही वाली यूनिट बार 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 रिपीटेड यूनिट होनी चाहिए। यानी यहाँ पे भी एक सिलिकॉन होगा जिसका एक एटम यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये सारे के सारे मिलके अपना एक बना लेंगे, ये मिलके अपना एक बना लेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास ये पूरा आप समझ सकते हैं इसको। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है इसकी, जो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर कौन सा एटम यूज किया जाता है, वो होता है ट्राइवेलेंट एटम, यानी तीन एटम्स होने चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यानी सिलिकॉन लगा हुआ है, यानी टेट्रावेलेंट है। ये चार चार अपने अपने इलेक्ट्रॉन से, इनके जो एट इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में वो कंप्लीट कर लिए, जिसकी वजह से स्टेबल हो गया। तो जैसे आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखा था सेम वही है। अब हम इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी अगर आप ये मान लीजिए ये वाला जो हमारे पास एटम है, इस एटम के अंदर अगर हम चेंज कर देते हैं इस एटम को टेट्रावेलेंट की बजाय ट्राइवेलेंट के अंदर बदल देते हैं इसको, तो हमने वो ऐड कर दिया क्या है, जो ट्राइवेलेंट एटम यानी बोरॉन हमने इसमें ऐड कर दिया, यानी इसका जो एटम आएंगे वो कौन सा, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, एक ये ग्रीन कलर का, एक ये ग्रीन कलर का, तो तीन इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में थे तो वो आपको दिख रहे हैं। एक जो होगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, यानी स्पेस होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आ सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। यानी ये वाला जो बोरॉन होगा इसके पास एक एबिलिटी होगी कि ये बाहर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इसकी स्पेस ले लेगा, फिर यहाँ पे होल बन जाएगा। अब इस होल को कंप्लीट करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो चला जाएगा, अब इस होल को कंप्लीट करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उसको कंप्लीट करेंगे, यानी एक ऐसी स्पेस बन जाएगी जिसकी वजह से जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का वो बन जाएगा। यानी इसके अंदर हमें कोई हीट वगैरह नहीं देनी पड़ी जिससे जो होल होगा या फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बन पाए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे ही होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर एक नेचुरल होल पहले से ही प्रेजेंट होता है। जो पी टाइप होते हैं उनके अंदर सिर्फ पी टाइप में होता है होल प्रेजेंट, और एन टाइप जो होता है वो काफी डिफरेंट होता है पी टाइप से। जो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, पी जो होता है वो स्टैंड फॉर पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, यानी ये एक्सेप्ट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो स्पेस होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, तो वो पॉजिटिव होने की वजह से इसको हम पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और ये आई होप आपको क्लियर हो गया है। जो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये आपको एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिख रहा होगा, यानी सारे में सिलिकॉन लगा हुआ है, टेट्रावेलेंट लगा हुआ है, प्योर टेट्रावेलेंट है, तो ये प्रॉपरली क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसको एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए अब हम इम्प्योरिटी कौन सी ऐड करेंगे, जो एन टाइप होते हैं उनके अंदर कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जो कि पेंटावेलेंट होती हैं, तो वो सारे जैसे फॉस्फोरस होता है उसमें क्या होता है, पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर पांच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारे पास ये जो सिलिकॉन है अगर हम इसको चेंज करते हैं किसी और इम्प्योरिटी के साथ, जैसे हम फॉस्फोरस इम्प्योरिटी डालते हैं, तो जो ये सिलिकॉन होगा ये किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसको हम पी मान लेते हैं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, एक तो ये वाला ग्रीन वाला होगा, एक ये ग्रीन होगा, एक ये ग्रीन होगा, एक ये ग्रीन होगा, और एक और आ जाएगा क्योंकि इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, चार तो उन्होंने एडजस्ट कर लिए हैं एडजस्टिंग जो इलेक्ट्रॉन थे उनके साथ, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन होगा ये एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास हमेशा रहेगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए यही कहा जाता है जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो काफी अच्छे कंडक्टर होते हैं एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों, क्योंकि इनके अंदर या तो होल होता है
जैसे आपने पी टाइप में देखा है, या फिर एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, ये फ्लो में हेल्प करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो और हेल्प करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में। तो इस हिसाब से हमारे पास जो एन टाइप और पी टाइप, ये दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मौजूद होते हैं। अब मेन चीज आती है इसकी, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से बनते हैं, लेकिन कितनी इम्प्योरिटी आप ऐड करोगे तो हमारे पास एक अच्छा सेमीकंडक्टर बन पाता है। तो जो इम्प्योरिटी होती है उसकी रेशियो होती है, यानी आप 1:10^6 के रेशियो के अंदर आपकी इसको डाल सकते हैं। यानी 1 रेशियो क्या होगा, ये होगा इम्प्योरिटी का, और ये हमारे पास बाकी जो होंगे यानी 10^6 जो रेशियो होगी ये क्या होंगे, हमारे पास प्योर वाला, जने जो हमारे पास टेट्रावेलेंट है वो वाले एटम्स होंगे इसके अंदर, और सिर्फ 1 इम्प्योरिटी होगी। यानी इतनी इम्प्योरिटी आप ऐड कर सकते हैं टू मेक अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इम्प्योरिटी डिपेंड करती है कौन सी होगी, अगर वो ट्राइवेलेंट होती है तो वो पी टाइप बन जाती है, अगर वो पेंटावेलेंट होती है तो वो एन टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। और एक और चीज, जो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, जो पेंटावेलेंट होता है जिसमें ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनता कैसे है, ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसको बनाया जाता है। यानी इसके अंदर आपको ज्यादा हीट वगैरह प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पैकेजिंग जो होती है वो इस हिसाब से होती है, ये जो बॉन्ड होंगे ये काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, और ये अकेला बॉन्ड होने की वजह से ये लूजली पैक्ड होता है, तो इजीली जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल पाते हैं, इसीलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिलीज कर पाते हैं। तो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है सेमीकंडक्टर के बारे में। तो आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।